And we are inviting you to come and watch love happen over food. Same thing, yaar. मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरे लिए पिक्चर है लव फॉर फूड, लव ओवर फूड, पीपल हु हैव द कॉमन एलिमेंट ऑफ फूड इन देयर लाइफ, एंड दावत होती है इनविटेशन, खाने की इनविटेशन. तो एक इनविटेशन के आइए, खाना का लुत्फ उठाइए और इश्क में पड़ जाइए. और परिणीति, इंटरनेट पर जब जब जाती हैं आप, एक सेकंड, परिणीति, द फूड ऑफ लव, द दावत ऑफ लव, बट इट्स नॉट अ लिटरल ट्रांसलेशन. परिणीति, इंटरनेट पर जब जब जाती हैं आप, तो क्या सर्च करती हैं, क्या पढ़ाई करती हैं आप? ट्रेलर में आपने कुछ बोला, तो आप इंटरनेट पे जब आप जाती हैं, आप क्या क्या सर्च करती हैं? नेट पे सब कुछ है. मुझे डायलॉग याद है, नेट पे सब, बच्चे पैदा करने की सारी रेसिपियां. करेक्ट. हाँ नहीं, एक्चुअली वो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं पिक्चर में करती हूँ, एंड उसमें मैं बहुत रिसर्च करती हूँ. तो मैं अपने डैड से जाके बोलती हूँ कि मैंने सब रिसर्च कर लिया, और वो शॉक रह जाते हैं कि तुम्हें सब कैसे पता है. तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हम हर बात पे गूगल खोल लेते हैं. तो पिक्चर में भी मैं यही बोल रही हूँ कि नेट पे सब कुछ मिलता है, खाना बनाने से बच्चे पैदा करने की सारी रेसिपियाँ. परिणीति, व्हाई इज इट दैट इन एवरी फिल्म यू आर ट्राइंग टू रन अवे नाउडेज? आई मीन इन शुद्ध देसी रोमांस यू आर रनिंग अवे इन फ्रॉम द वेडिंग. यस, हसी तो फसी, यू रन अवे फ्रॉम होम. And in this trailer, she's running away. This is how I got here. भागने का कुछ है तो हम लोग करेंगे. तो यशराज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हर फिल्म में आपको भगाते हैं. नहीं, हंसी तो फंसी was not made by यशराज. I know Dharma. But नहीं, it's a coincidence. I didn't even think of it actually. I think it's basically a girl who tries to defy usual cliches, etc. So maybe there's an element of running away, but I don't know. I haven't thought about it. Now I will go home and analyze. Next film, I should make others run. हाय आदित्य, हेयर. मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने इस फिल्म में एक हाय, लिसन, सबको हाय बोलना ही है हर क्वेश्चन के बाद. फिर से बोलिए, 1 2 3 गो. आपने इस फिल्म में एक डायलॉग, नहीं नहीं रुको रुको, हाय तो बोलना ही पड़ेगा. 1 2 3 गो. हाय हाय. अच्छा आदित्य, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने इस फिल्म में एक वर्ड यूज किया है, धोखेबाज. आपने अपनी रियल लाइफ में कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, और कितनी लड़कियों ने आपको धोखा दिया? कितनी लड़कियों ने आपको धोखा दिया है? दिया है, 9th स्टैंडर्ड में दिया है मुझे, एंड इट स्टिल हर्ट्स मी. बट नहीं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दिया लाइफ में. झूठ बोले? ट्रू लव हुआ एक भी बार? व्हेन इट हैपेंड एट दैट टाइम आई फेल्ट इट वाज रियल लव, पर वो रिलेशनशिप अभी तक लास्ट हुआ नहीं है, तो शायद नहीं था, तो मे बी नॉट. श्रद्धा के बारे में क्या एंजॉय करते हैं? क्या माइक ले लो मैम. क्या क्या आपके और श्रद्धा की जो लिंकअप से खबर, लिंकअप एंजॉय, ओ वी रियली एंजॉय देम यार. आज मजा आया पढ़ के तुम्हारे पास.